It's 4:44 AM in the morning. अभी मुझे इस बैग को बाइक में फिक्स करना है. बस किसी भी वक्त हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा. हम लोग का 4:30 का प्लान था और टाइम अभी हो रहा है 5:30, तो काफ़ी लेट हो गए हैं. बाकी लोग अभी आए नहीं हैं इसलिए और काफ़ी लेट हो रहे हैं. चलिए देखते हैं, कवर अप कर लेंगे. बाकी तो मैंने मैप वैप तो ऑन कर दिया है. तो राइड स्टार्ट हो चुकी है, करीब 6 बज रहे हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं इंसर्जन की वजह से, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लेट हैं. एक होता लेट होना और ये उसके बाद इनका नाम आता है आदित. मतलब 4:30 का प्लान है और ये आ रहे हैं 6 बजे. बाद में बताते हैं इन्हें इनके साथ क्या होगा. तो अभी तो हम लोग टाइम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और दो लोग हम लोग को मिलेंगे होंडा शोरूम जो है वहाँ पे सीतापुर रोड पे. अनफॉर्चुनेटली एक मेंबर नहीं आ पाए, उनका हाथ अभी ठीक नहीं है और राइड तो दूर की बात है. तो बस हम 4 लोग हैं अभी. तो मैं, आदित, रुपेश भैया और ऋषभ भैया. व्हाट द फक, रास्ता बंद है. So that's the problem. ये पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, घंटा लेट है. ये मिस्टर ये लेट किए हैं. चलो चलो, एक घंटा कौन लेट करता है. चलिए कवर होने में दिक्कत नहीं है, 4 लोग हैं, हो जाएगा. अभी फोन में लगे हुए हैं. तो यस्टरडे इट वाज रियली हॉट, बहुत गर्म हो रही थी कल. उम्मीद है कि आज भी गर्म होगी. एज ऑफ नाउ मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है. टाइम करीब 6:30 हो रहा है. ये कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके पहाड़ तक पहुंच जाएं, पहाड़ों पे, वहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी. एक राइडर की कमी महसूस हो रही है जो आई नहीं. थैंक्स फॉर विजिट. तो 4 लोग हैं तो बड़े आराम से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. तो अराउंड 70 किलोमीटर हो चुके हैं. हम लोगों ने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेक लिया है. ये झंडा ढाबा. तो हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, फिर करेंगे अपनी राइड कंटिन्यू. सो फार मतलब सब सही चल रहा है, आराम से स्मूथ राइड जा रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं. अब तो बैग उतार दो. अच्छा वही हम क्या कंधा मार के मार चला गया. चाय और बटर मतलब कुछ बोल रहे थे, मतलब तू लेने में आ गए. तुम बैग ही को समझ में नहीं आ रहा, बैग एक टांग खड़े हो, बैग टांग खड़े इनको समझ ही नहीं आ रहा. चलो फिर हम नहीं रुकेंगे, चाय मिल जाएगी. अच्छा किस में, उसमें बता रहा है आधा घंटा. तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है. अब हम लोग जा रहे हैं बरेली, उसके बाद हम लोग जाएंगे बिनसार. 4 घंटा दिखा रहा बरेली, अब 4 घंटा दिखा रहा है 175 किलोमीटर. मतलब यकीनन आगे रोड खराब होने वाली है. तो देखते हैं कैसा है आगे, क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा. मजा आ रहा है, इतने टाइम और एक लॉन्ग राइड, इतना मुश्किल से ये प्लान डिसाइड हुआ है. ना कोई काम ही पड़ जाता था. वाइड ओपन नोज फुल टैंक, बस चलते रहो, मजा तो आ रही है. तो ये रोड में लास्ट ईयर भी आया था तो ज़्यादा बनी नहीं थी, आज भी कुछ उसका वैसा ही हाल है. ड्राइवर ने तो इधर उधर करना पड़ता है. ना स्पीड अप कर सकते हैं तो थोड़ा रिस्की भी है, लोग लॉन्ग साइड भी आते हैं, जानवर भी आते हैं. तो लास्ट ईयर से इस ईयर में इतना फर्क है कि डाइवर्जन अब बहुत कम हो गए हैं. पहले बहुत ज़्यादा डाइवर्जन थे, अब बहुत कम हो गए हैं.
और उम्मीद है कि 2-3 साल में रोड पूरी बन जाएगी प्रॉपर हाईवे। मैं ऋषिकेश इस रोड से गया था, ये रोड ठीक से बनी नहीं थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ थी, बीच बीच में बनी थी, ये सर रोड बन गई है। सही है, बढ़िया है, व्यू देखिए आप, व्यू और क्या, मजा तो आ रही है। क्या ट्रैफिक है, बरेली यहाँ से 90 किलोमीटर था और यहाँ कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है तो थोड़ी अब दिक्कत हो रही है, पर ये ऐसा ट्रैफिक मिल जाएगा तो क्या होगा हम लोग का। और रोड कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, टाइम हो रहा है 9:46, बट ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए हैं और इतने गड्ढों झेलने के बाद तो सबके 12 बज भी गए हैं। ये देखिए जैसे रॉन्ग साइड बस आ गई है, ये रॉन्ग साइड बस आ रही है, बहुत रिस्की है, अगर कोई ध्यान ना दे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बुलेट वाला वीडियो वायरल हुआ था कुछ, वो एकदम से उसने ओवरटेक किया, सामने बस आ गई थी। ये क्या रोड है, मज़ा आती है लेकिन एडवेंचर तो होना ही चाहिए। अब प्लेन रोड पे चलाने से तो बोरियत ही होती है, उससे अच्छा तो यही रोड है, थोड़ा मज़ा ही आ रहा है। फाइनली तो यहाँ पे चेकिंग चल रही थी ट्रकों की, इसलिए इतना जाम लगा था, तो फाइनली हम लोगों ने डॉच कर दिया है। सुबह हम लोगों ने जहाँ ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे वैसे कुछ था नहीं, सैंडविच और चाय थी, तो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट था वो। अभी समय लग रही भूख, टाइम करीब 11 बजने वाला है, समय लग रही भूख काफ़ी तेज़ और गर्मी बेशक बहुत ज़्यादा है। ये कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फूड प्लाजा, कोई है यहाँ पे? हम लोग की बाइक पार्क है। सबसे चीज़ हम लोग को एसी रूम मिल गया, बढ़िया आराम से मज़ा आ रही है, एसी वाला रूम हो जाए बस और क्या चाहिए। जो रेस्टोरेंट था रिलायंस पेट्रोलियम पे, उसका खाना बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया खा के। तो अब यहाँ जब भी आए तो आप यहाँ रुक सकते खाने पीने के लिए, और एसी भी चल रहा था, बिल भी ठीक आया, ज़्यादा बिल भी नहीं आया। बरेली के पास ही हूँ मैं भी, मुझे भी करीब 6 घंटे वाला कहेंगे ऐसा दिखा रहा गूगल मैप में, और 229 किलोमीटर मतलब करीब 230 किलोमीटर और है, चलिए देखते कितना टाइम लगता है। इतना अच्छे ब्रेकफास्ट के बाद तो एकदम एनर्जी आ गई है, अब तो और डबल मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी सी गर्मी है, बाकी सब ठीक है। अगर मुझे याद है ये एक्सप्रेस वे है मुरादाबाद वाला, यहाँ से मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, और आगे आएगा टर्न आएगा जो रोड जो की रोड आएगी हल्द्वानी, हम लोगों ने यहाँ पुल से नीचे ले लिया है ये एक्सप्रेस वे से, अब ये रोड सीधे जाएगी हल्द्वानी। तो अब हम लोग आ गए बरेली नैनीताल रोड पे, अब ये सीधे हल्द्वानी जाएगी, उसके बाद नैनीताल पड़ेगा, फिर आगे भिंसार पड़ेगा। एक्सप्रेस वे से नीचे आ गए हैं, हनुमान अभी वहाँ पीछे स्टॉप लिया था। एक्चुअली आदित्य की बाइक की चेन थोड़ी लूज हो गई है तो उसको बार बार टाइट कराना पड़ रहा है, पॉकेट में थोड़ी दिक्कत है तो चेन लूज हो जा रही है,
तो हम लोग वहीं पर रुके हुए थे, हमको बहुत सारे लोग मिले वहाँ पे, थोड़ा बता रहे थे क्या है कैसा है, बाइक के बारे में पूछ रहे थे कौन सी बाइक है। तो अभी तो आज उनकी बाइक ठीक है, उम्मीद करते कोई दिक्कत ना आए बाइक में, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो पता होगा आपको क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या दिक्कत आ चुकी है पहले। ये नैनीताल वाली रोड है, अभी बस हल्द्वानी पड़ने वाला है, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, फिर बिनसर फॉरेस्ट। ये बात तो है, उत्तराखंड के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। नैनीताल अराउंड 100 किलोमीटर है और हल्द्वानी यहाँ से 50 किलोमीटर है, और 130 या 140 होगा अल्मोड़ा, और जहाँ मुझे जाना है वो 167 है। 310 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी, और 1:30 बजने वाला टाइम 13:19। ये भी काफ़ी बोरिंग रोड है, बस पहाड़ जल्दी शुरू हो तो मज़ा भी आए। अब देखिए ऐसे लोग रोड क्रॉस कर दे रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग साइड लोग बहुत आ रहे हैं। नैनीताल 76 इंसान का जो गेट है वहाँ पे अंदर फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट में जाने का, वो शाम 5 बजे बंद हो जाता है, और गूगल मैप के हिसाब से हम लोग 6:30 बजे पहुँचेंगे शाम को। वही देख रहे हैं हम लोग क्या करना है, पहुँच पाते कि नहीं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जल्दी हो जाए, अगर नहीं होगा तो आज रात हम लोग को अल्मोड़ा में स्टे लेना पड़ेगा और कल हम लोग निकलेंगे बिनसार के लिए। मैं अभी हल्द्वानी में हूँ और मुझे सामने माउंटेन्स दिखने लगे हैं हल्के हल्के बहुत ज़्यादा से, अब पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे हल्के हल्के दिखने लगे हैं बादलों में। बहुत ही जल्द हम लोग पहाड़ पे होंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, अब तो कैमरे में दिख रहा होगा कन्फर्म। अभी सोचें थोड़ा सा स्टॉप लें क्योंकि तो काफ़ी गर्मी हो रही है। मैंने अपने लेदर ग्लव्स अंदर रख दिए, ये नॉर्मल वाले निकाल दिए, उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, ये नॉर्मल ग्लव्स ठीक हैं, तो मैंने तो बूट्स भी पहने हैं, उसमें भी काफ़ी गर्म लग रहा है। नैनीताल यहाँ से 49 है, अल्मोड़ा 102, 102। खुशी मिल रही मुझे, मतलब इतने टाइम बाद राइड पे गया हूँ इतने अच्छे लोगों के साथ, ऐसे बड़े बड़े लोगों से राइड करना अलग ही बात है, मज़ा ही आ जाती है। खैर कुछ लोग नहीं आ पाए और कुछ लोग तो अभी बाहर हैं आउट ऑफ टाउन। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा हुआ। हाँ, एनर्जी आएगी। छोटा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक हो गया, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी, फिर थोड़ा पानी नहीं पिया, अब थोड़ा एनर्जी लग रही है, बहुत डिहाइड्रेशन हो रही थी। माउंटेन्स इनका तो अलग ही फील है, बाय गॉड। कुछ ही पलों में यहाँ पे ये चिड़िया, यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत पास पास से जा रही हैं। यहाँ पानी भर जाता होगा आई एम श्योर मॉनसून में। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कहाँ देखी थी विंडमिल। इससे आप देख सकते कितनी तेज हवा चल रही है। रिएक्शन, नैनीताल केवल 33 किलोमीटर बचा है और भीमताल अराउंड 20 किलोमीटर, और आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। तो पहाड़ों पर आ गया तो अच्छा लग रहा है, अब आज वीकेंड भी है तो भीड़ तो वैसे ही ज़्यादा है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 2:48 हो रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। वैसे हम लोग का प्लान ओली का था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, टाइम नहीं है तो हम लोग नहीं जा पा रहे ओली। अगर हम लोग 4 डेज होते तो हम लोग ओली चले आते अपनी छोटी राइड, क्योंकि नैनीताल तो काफ़ी पास है, इतना दूर भी नहीं है। मेरी गाड़ी कितना 374 चली है, अराउंड 400 किलोमीटर पे नैनीताल है, जो कि कम है। मतलब अभी तो आफ्टरनून है और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, लग रहा है थोड़ी साइड की ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो रोड भी ठीक थी। अब थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है,
स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था. What the fuck? इतनी तेज आ रहा है वो भी पहाड़ों पे. और हाँ अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है. वॉन्डरिंग का तो अलग ही मजा है. हम लोग भीमताल पहुँच चुके हैं और 60 किलोमीटर बचा अल्मोड़ा के लिए. जितना डीले वो उस हिसाब से तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया. यहाँ हम लोग मैगी खाने के लिए अभी रुके हैं. अब देखना है किधर बाइक पार्क करनी है. भीमताल उत्तराखंड इंडिया अर्थ यूनिवर्स आकाश गंगा. तो कहाँ जाना है? एंड वी आर गोइंग कहाँ पे? पेड़ पे बंदर. शानदार नज़ारा हम लोग मैगी खाते हुए. रुपेश भाई हैं तो हम लोग तो इधर उधर बिजी हैं, लेकिन रुपेश भाई पूरे खाने पीने का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं. मैगी 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 खिला रहे हैं और चाय पिला रहे हैं. इस बार रुपेश भाई ने अभिषेक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है. मैगी का टेस्ट बहुत एवरेज था और चाय में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है. नैनीताल उधर साइड है और ये भीमताल है. हाँ मज़ा तो आ रहा है. तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं. ये रही मेरी बाइक. वीडियो बना लो. ये भीमताल की मार्केट है. अब यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है. बहुत ही कम ट्रैफिक हो गया है, मतलब एक दो लोग दिख रहे हैं, बाकी एकदम सन्नाटा है. वहाँ पे एक मोड़ आया था जो नैनीताल की तरफ जाता था और दूसरी ये है जो अल्मोड़ा जाती है और हम लोग इसी में जा रहे हैं. और यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, काफ़ी शांत है यहाँ पे. वो लग रहा है कि यहीं के सब लोकल ही हैं जितने दिख रहे हैं यहाँ पे. टैक्सी तो बहुत कम दिख रही है. अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्स वाली राइड है. कोई जल्दी नहीं, कोई वो नहीं. जस्ट लुक एट द व्यू. नीचे जा पाते और मजा आती. नीचे पानी बह रहा है तो हम लोग नीचे जा पाते तो और अच्छा रहता. देखते हैं. नैनीताल से अल्मोड़ा बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत अच्छी स्पीड कवर हो रही है. अभी मेरे एक्शन कैमरा की तो बैटरी डाउन हो गई है तो मैं इस चीज़ें थोड़ा रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ. ये वही रोड है एंड जस्ट लुक एट द व्यू. आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा केवल 13 किलोमीटर बचा है और ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है. तो करीब 6 बजे हम लोग अल्मोड़ा पहुंच गए थे. अभी टाइम हो रहा 6:30 PM. ये हम लोग का होटल है मिलन इन. बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. उन्होंने हम लोग को डिस्काउंट भी दिया और सबसे अच्छी बात तो है यहाँ बेसमेंट में
पार्किंग। ये लॉबी है, क्या होटल है। सामान इधर उधर पड़ा हुआ। बल्कि इस कॉस्ट पे तो हम लोग दो भी ले सकते हैं, लेकिन मैनेज हो जाएगा। इस प्राइस में इससे अच्छा नहीं मिल सकता। खराटे तो हम भी मानते हैं। आपके खराटे आते नहीं। आप फंसे। तो मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू दिखाता हूँ यहाँ की बाजार का। तो ये है अलमोरा की मेन मार्केट। तो आज हम लोगों ने करीब 450 किलोमीटर किया है। लखनऊ से चले थे करीब 6:30 बजे और यहाँ करीब पहुँचे 6 बजे। बहुत ही आराम से आए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ब्रेक ले लेके आराम से आए, आराम से घूमा फिरा, फोटोग्राफी की। तो अब मैं वीडियो कल से स्टार्ट करूँगा, आज के लिए तो उतना काफ़ी है। अब कल मैं और जगह दिखाऊँगा, साइट सीन पर निकलेंगे, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही अच्छी जगह है, अब कल मैं दिखाता हूँ। जब थोड़ा लाइट हो जाएगी तब मैं दिखाऊँगा। तो मेरे एक्शन कैमरा की बैटरी भीमताल में ख़त्म हो गई थी मैं, तो उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट ट्रस्ट मी, अल्मोड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। नैनीताल से अल्मोड़ा की जो रोड है वो एकदम ऑसम है, एकदम मतलब इतनी अच्छी रोड है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे, मतलब मज़ा ही आ गया एकदम। बेसमेंट पार्किंग देखिए, मतलब इतनी सेफली बाइक पार्क है, तो तब तो कोई चिंता ही नहीं, आराम से मार्केट घूम रहे हैं। अब कल देखना व्यू यहाँ से कैसे मिलता है इस होटल से। बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी बाइक में आदित की येलो मोजो, थोड़ी चेन में दिक्कत आ रही थी लेकिन कोई और दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे थे। अराउंड 100+ ही चल रहे थे, 90-100 की स्पीड से। बहुत दिन बाद इतनी लंबी राइड हुई तो मज़ा तो आना ही था। कुछ लोग ने मिस कर दिया, अंकित भैया तो उन्होंने काफ़ी पैकिंग की थी, वो आ नहीं पाए। हम लोग के होटल का व्यू अभी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कल सुबह ही पता चलेगा कैसा है। पनीर से ज्यादा ना आई एम इंटरेस्टेड इन प्याज एंड ऑल। यू कैस्टिंग ऑन माय प्रॉमिसेस, यू नो आई एम टू जेनरस, नाउ आई हैव लर्न टू नेवर हेल्प यू आउट, cuz आई एम डन क्लीनिंग। So strong enough.